ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी पार्ट 2 देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था ज़ॉम्बीज मैनेजर और सोन की तरफ ही बढ़ रहे थे, तभी मैनेजर की नज़र मेन गेट पर पड़ती है। मैनेजर देखता है कि मेन गेट लॉक नहीं है, तो मैनेजर अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधा मेन गेट की तरफ दौड़ता है और गेट को चाबी से लॉक कर देता है, क्योंकि अगर गलती से भी ज़ॉम्बीज यहाँ से बाहर निकल गए तो ज़ॉम्बीज पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। मैनेजर शहर को तो ज़ॉम्बी से बचा लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता है। एक ज़ॉम्बी मैनेजर पर हमला कर देता है। इधर शॉन ये सब देख रहा था, लेकिन अब शॉन को ज़ॉम्बी से बचने के लिए कहीं और छुपना होगा। तभी शॉन काउंटर के अंदर जाकर छुप जाता है। इधर मैनेजर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर सारे ज़ॉम्बीज शॉन को ही ढूंढने लगते हैं। अब आगे ज़ॉम्बीज यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं और शॉन भी अब यहीं फंस चुका है। शॉन को मदद के लिए किसी ना किसी को तो बुलाना ही होगा, वरना आखिर कब तक शॉन ऐसे ही छुपा रहेगा। तभी शॉन को काउंटर पर एक टेलीफोन रखा हुआ दिख जाता है। टेलीफोन को देखते ही शॉन को सुकून मिलता है, क्योंकि यही शॉन की आखिरी उम्मीद है। इससे ये फोन करके गुल्ली बुल्ली को बता सकता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। शॉन थोड़ा सा उठकर देखता है कि कहीं आसपास कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। शॉन को जब एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आता तो ये जल्दी से टेलीफोन उठाने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और शायद इसने शॉन को देख लिया है। ज़ॉम्बी शॉन की तरफ ही बढ़ने लगता है और काउंटर के ऊपर चढ़कर अंदर देखने लगता है। लगता है ज़ॉम्बी ने शॉन को देख लिया है और अब शॉन ज़ॉम्बी से नहीं बच सकता है। मगर ये क्या, ज़ॉम्बी वापस क्यों जा रहा है? क्या इसे शॉन नहीं दिखाई दिया? शॉन अलमारी के अंदर छुप जाता है, शायद इसीलिए ज़ॉम्बी इसे नहीं देख पाया, वरना तो शॉन का बचना नामुमकिन था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शॉन वापस से टेलीफोन उठाने लगता है और इस बार ये जल्दी से टेलीफोन को उठाकर नीचे रख लेता है और फिर शॉन जल्दी से गुल्ली बुल्ली को फोन लगाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर पर हॉरर वीडियोस देख रहे थे और तभी इनका टेलीफोन बजने लगता है। गुल्ली कहता है, गुल्ली जरा जाकर देखो किसका फोन आ रहा है। तभी गुल्ली जाकर फोन उठाता है। फोन उठते ही शॉन कहता है, हेलो, मैं शॉन बोल रहा हूँ। तभी गुल्ली कहता है, हाँ शॉन बताओ, क्या तुमने दवाई के बारे में पता कर लिया है? तभी शॉन बताता है, गुल्ली मैं यहाँ पर आकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर ज़ॉम्बी का इंजेक्शन लगा रहे थे, मगर मैं किसी न किसी तरीके से बच गया और अब सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बस मैं ही अकेला बचा हुआ हूँ। तभी गुल्ली कहता है, शॉन ये क्या कह रहे हो, सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और तुम ठीक तो हो ना? तभी शॉन बताता है, मैं काउंटर के अंदर छुपा हुआ हूँ और सारे ज़ॉम्बीज मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊँगा। तभी गुल्ली कहता है, शॉन तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस तुम किसी भी तरीके से ज़ॉम्बीज से बच कर रहना, मैं और गुल्ली अभी वहाँ पर पहुँचते हैं। शॉन फोन में लगा हुआ है और इसे ये पता भी नहीं है कि ज़ॉम्बी इसके सर पर ही बैठा हुआ है। ज़ॉम्बी शॉन की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। तभी शॉन पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ॉम्बी को देखते ही शॉन के होश उड़ जाते हैं और फिर ज़ॉम्बी शॉन के ऊपर हमला कर देता है। इधर गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठकर शॉन को बचाने के लिए इधर ही आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली यहाँ पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता क्योंकि गेट लॉक है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली गेट तो लॉक है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें किसी भी तरीके से अंदर जाना ही होगा, चाहे फिर ये गेट तोड़ना ही क्यों ना पड़े। और फिर गुल्ली गेट तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
गुल्ली गेट तोड़ने ही जा रहा था, तभी गुल्ली कहता है, रुको गुल्ली, गेट तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये देखो इधर क्या डला हुआ है, शायद ये इस गेट की ही चाबी है। गुल्ली चाबी से गेट खोलने लगता है और गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही गुल्ली अंदर जागता है तो गुल्ली के ठीक सामने ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे, जिसे देखकर गुल्ली बहुत डर जाता है और गेट बंद कर लेता है। तभी गुल्ली पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, गेट क्यों बंद कर लिया? तभी गुल्ली बताता है, गुल्ली यहाँ पर वाकई में ज़ॉम्बीज हैं और ज़ॉम्बीज का एक झुंड गेट के सामने ही खड़ा हुआ है, हमारा यहाँ से अंदर जाना बहुत मुश्किल है। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली हमें शॉन को बचाने के लिए अंदर जाना ही होगा, तो हमें ज़ॉम्बीज के हटने का इंतज़ार करना होगा, जब ज़ॉम्बीज हट जाएंगे तब हम अंदर जाएंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद गुल्ली गेट खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखाई देता। गुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली यही सही वक्त है, अब हमें अंदर चलना चाहिए, तुम मेरे पीछे आओ। तभी गुल्ली गुल्ली को रोकते हुए कहता है, गुल्ली कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो, अगर हमें रास्ते में ज़ॉम्बीज मिल गए तब हम क्या करेंगे? गुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ज़ॉम्बी से बचने के लिए हमारे पास कुछ तो होना ही चाहिए, जाओ तुम गाड़ी में से दो डंडे लेकर आओ। गुल्ली कहता है, वाह गुल्ली तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें डंडों की ज़रूरत पड़ेगी? गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम्हें ध्यान नहीं, ये डंडे हमने शॉन को पीटने के लिए रखे थे जब वो मेरा लैपटॉप गेम्स खेलने के लिए चुरा कर अपने घर ले गया था। ये सुनकर गुल्ली को भी वो बात याद आ जाती है और फिर गुल्ली डंडे लेने के लिए चला जाता है और गुल्ली यहीं रुककर गुल्ली का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर में ही गुल्ली आ जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, ये देखो गुल्ली मुझे गाड़ी में से और क्या मिला है, ये दोनों डंडे तुम रख लो, मैं इस हथौड़ी से ही ज़ॉम्बीज का सर कुचल दूंगा। फिर गुल्ली बुल्ली बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही बुल्ली को वो काउंटर दिख जाता है जिसके बारे में शॉन ने बताया था। गुल्ली गुल्ली से कहता है, बुल्ली वो देखो, शायद शॉन उसी के पीछे छुपा हुआ है। गुल्ली जब काउंटर पर चढ़कर देखता है तो उसे वहां शॉन नहीं मिलता है और वहां पर खून भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर गुल्ली बहुत घबरा जाता है और गुल्ली से कहता है, गुल्ली शॉन काउंटर के पीछे नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? गुल्ली कहता है, नहीं गुल्ली, शायद शॉन ज़ॉम्बी से बचकर कहीं और छुप गया होगा, हमें शॉन को आगे चलकर ढूंढना चाहिए। फिर गुल्ली बुल्ली आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को सामने से आते हुए दो ज़ॉम्बीज दिखते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बीज के हाथों पकड़े जाएंगे और क्या गुल्ली बुल्ली शॉन को बचाकर यहाँ से निकल पाएंगे? ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।